गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे, अपने चैप्टर पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा एक बेसिक रिवीजन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है जो आपके पास एवरेज करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल क्यू बाय डेल टी, इंस्टेंटेनियस करंट है डी क्यू बाय डी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एनई एबीडी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये सब बेटा हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, जो रेजिस्टिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ। हम इसी बात से आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, where n is the number density which is the property of the material and tau is the relaxation time that is the time taken between two successive collision। aur aapko pata hai ki jaise temperature badhta hai, jaise temperature badhta hai to jo relaxation time hai yani ki jo aapke paas kaise the electrons wo zyada energy se vibrate karte hain aur collision fast ho jata hai jiske karan se relaxation time kuch kam ho jata hai। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है कंडक्टर्स में तो जो रेजिस्टिविटी है दैट इंक्रीजेस, तो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेंपरेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो आपको फिजिकली क्लियर हुआ इस बात से कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन वो डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ द कंडक्टर, ये बात ध्यान रखना, दिस इज द केस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिजिकली कैसे होता है वो हम समझ चुके हैं, मैथमेटिकली हमने जब कैलकुलेशन की तो उसको क्या रिजल्ट निकल गया है देखिए कैसा है। तो मैथमेटिकली हमने देखा कि टेम्परेचर, हमारा टॉपिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, उस चीज को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी, अज्यूम दैट रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस किसी मटीरियल की, रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप टी वन टी टू भी ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं, तो थोड़ा फॉर्मूला तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो रो टी, तो हमने देखा है जो चेंज इन रेजिस्टिविटी कि कितना चेंज हुआ टेम्परेचर के चेंज करने से, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पाई गई इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी, रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट, रो नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी, इट मे बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट मे बी एट टी 1 डिग्री सेल्सियस, वो आपके पास जो इनिशियल कंडीशन थी, अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रहे तो वो भी आपकी। एंड आल्सो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको मैं टी नॉट ले लेता हूं, थोड़ा सा ये प्रॉपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा जो रेजिस्टिविटी, हमने मैथमेटिकली पाया कि जो रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज है वो डिपेंड कर रहा था दो फैक्टर्स पे, फर्स्ट कि इनिशियल उस टाइम पे रेजिस्टिविटी क्या थी, एंड सेकंड द चेंज इन टेम्परेचर।
और जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया गया वी गेट दिस मच, रो टी माइनस रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया बेटा तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया अल्फा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा, और इस अल्फा को हम क्या कहते हैं, अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। यहां क्योंकि रेजिस्टिविटी ले रहे हैं तो दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अभी यहां रेजिस्टिविटी लेंगे, बाकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट। यहां से अगर मैं अल्फा को डिफाइन करूं तो देखिए क्या है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगा, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट। तो ये आया 1 बाय रो नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से देखिए ऊपर में जो यूनिट है वो रेजिस्टिविटी की है, नीचे रेजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर है, तो जो अल्फा की यूनिट आएगी एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, तो यूनिट ऑफ अल्फा दिस इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो अभी तक आपने देखा कि जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो कैसी होती है, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसको मैथमेटिकली आपने उस चेंज को उस इंक्रीज को आपने यहां से डिफाइन किया और यहां से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालना है तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, या कहीं दूसरे आपको डेल्टा भी लिखा मिल जाएगा। तो दिस तो देखिए अब क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर के केस में, रेजिस्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो जो डी रो है इट इज पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ रहा था डी टी पॉजिटिव, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है डी रो पॉजिटिव, तो अल्फा जो है अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आगे जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर बट इज पॉजिटिव फॉर सेमीकंडक्टर, बिकॉज़ पॉजिटिव इसलिए बिकॉज़ द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। उसके पीछे क्या फिजिकल मीनिंग है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला तो यही है, तो उसको हम फिर वहां डिस्कस करें किस तरीके से ऐसा क्यों होता है कि अल्फा उस सेमीकंडक्टर केस में नेगेटिव होता है बट फॉर द कंडक्टर इट इज पॉजिटिव। तो ये आपके पास था टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात होती है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, तो बोथ साइड से जब क्योंकि ए और एल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोथ साइड से जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का भी आएगा, एंड रेजिस्टेंस एट एनी टेंपरेचर टी, रेजिस्टेंस एट एनी टेंपरेचर टी इज गिवन बाय आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल टी और टी माइनस टी नॉट। बिल्कुल इन द सेम सेंस जैसे रेजिस्टिविटी आई थी, इन द सेम सेंस आपके पास रेजिस्टेंस भी आएगा। पर तो रीजन क्या है इसके पीछे, रो टी इज इक्वल टू आर टी ए बाय एल, रो नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ए बाय एल, ए बाय एल से ए बाय एल कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। तो अभी हमने कंडक्टर्स की बात की, अभी हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की, तो आइए मैं रिजल्ट्स को लिख देता हूं जिससे कि फिर हम हमारे न्यूमेरिकल्स जो करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे सामने जब फॉर्मूला होगा। तो वैसे तो हमें इसको याद रखना है,
और एक अल्फा है रो टी माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट। इन द सेम सेंस अगर आप उसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो आर टी माइनस आर नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट। तो इस तरीके से आपके पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपके पास होगा। अब देखिए हमने कंडक्टर्स की बात की, हमने सेमी कंडक्टर्स की बात की, हमारे पास और एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं अलॉयज। तो आइए इनको ग्राफिकली भी देखते हैं, मीनिंग हमने चेक कर लिया है, ग्राफिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो आपने देखा कि सेमी कंडक्टर्स के केस में, सेमी कंडक्टर्स के केस में अल्फा जो है वो नेगेटिव है, व्हिच मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। और कंडक्टर्स के केस में जो आपका अल्फा है दैट इज पॉजिटिव, व्हिच मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। दैट्स ऑल जो हमने अभी तक सीखा है। अब देखिए एक अलॉय है, अलॉय अलॉय एक्चुअल में देखिए अलॉय में क्या होता है, जैसे कि कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इसमें भी रेजिस्टिविटी समहाउ इंक्रीज होती है, लेकिन वो इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता। इसीलिए हम कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि अल्फा फॉर द केस ऑफ अलॉय इज समहाउ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बिकॉज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंजिंग सो मच, वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें ऐसा भी लगता है कि भाई आपके पास जो रजिस्टर सॉरी जो अल्फा है वो आपका समहाउ जीरो हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के आसपास होती है। वैसे आप ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट तो नहीं था, कुछ बुक्स में कॉन्स्टेंट बना रखा होता है, कुछ बुक में वेरिएशन है। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीज तो चेंज इन द रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स के केस में पहले थोड़ा सा कांस्टेंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कंडक्टर, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो नॉन ओमिक हो जाते हैं और ये स्ट्रेट लाइन ना होके ये आपके पास थोड़ी सी इस तरीके से नॉन लीनियर ग्राफ आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर पे चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और ओम्स लॉ में V is equal to IR, R कांस्टेंट होता है, तो यहां R कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए बहुत स्मॉल टेम्परेचर के लिए ही ये समहाउ लीनियर ग्राफ आता, वरना ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ आ जाता। दिस ग्राफ इज फॉर कंडक्टर्स और मैटर्स, दिस ग्राफ इज फॉर कंडक्टर्स और मैटर्स। रेजिस्टिविटी इंक्रीज अलॉयज के केस में कुछ बुक्स में आपको बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइन मिलती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो उसके अंदर भी इंक्रीज होता है, आप ये कह सकते हैं अलॉयज। तो आप अगर पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इस ये वाला ग्राफ में हल्का सा चेंज, बट फॉर सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ये आपके पास सेमी कंडक्टर्स के लिए है। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस और वो भी नॉन लीनियरली, नॉट लीनियरली, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था भाई आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी फॉर अलॉयज, फॉर कंडक्टर्स एंड फॉर सेमी कंडक्टर्स। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये दो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो मैं दो तीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे से पूछें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द फ्रैक्शनल चेंज इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ज्यादा आपको फोकस करना होगा। The fractional change in the resistance of a conductor is 0.08%.
is 0.08%. When its temperature is raised, temperature is raised by 200 degrees Celsius. Find the value of alpha. अब एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या था? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज. तो इसमें कहा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इट मींस RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट इज गिवन टू बी 0.08% डिवाइडेड बाय 100. फ्रैक्शनल चेंज आपको दे रहा है. एंड कब? व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 200 सेल्सियस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा इज 200 डिग्री सेल्सियस. व्हाट द वैल्यू? RT माइनस R0 बाय R0 इन अपॉन T माइनस T0. अल्फा इज 8/100 × 200, तो 100 फोर 0.0004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और 4 × −4 डिग्री सेल्सियस. अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है. टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस इज ऑफ ऑर्डर 10^-4. तो ये भी आप ध्यान रखें, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी. कभी भी अल्फा की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है. इज द ऑफ द ऑर्डर 10^-4, 10^-5 के आसपास इसकी वैल्यू आपके पास निकल गया है. तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको करना था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let us see next question. देखिए क्या कह रहा है. At what temperature will the resistance of a copper wire be 10% more than its value at 20 degrees Celsius? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. At what temperature? तो आपको टेम्परेचर निकालना है. फाइनल बात, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्या पूछ रहे हैं? एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी 10% मोर than its value at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius. और alpha आपको given है 1.0 × 10^-4 डिग्री सेल्सियस. लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इज गिवन टू यू. ठीक है, चलो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. कह रहा है एट व्हाट टेंपरेचर, तो फाइनल टेंपरेचर निकालना आपको टी की वैल्यू निकालना है. ठीक है जी. रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज 10% मोर, यानी कि जो आरटी है दिस इज 1.1 ऑफ आर नॉट. 10% मोर ऐसे निकालते ना, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट था, तो 10% क्या आर नॉट प्लस 10% ऑफ आर नॉट. तो सोल्व करोगे तो आर 0.1 आर नॉट, 1.1 आर नॉट हो जाएगा. सिंपल सी बात थी. ठीक है, मैं तरह सिंपल बन रहे सब. Then its value at 20 degrees Celsius, T naught is given to you 20 degrees Celsius. तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं अपने फॉर्मूले पे. अल्फा RT माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. अल्फा इज 10^-4. RT माइनस आर नॉट इज 0.1 आर नॉट बाय आर नॉट, कैंसल आउट.
t-20, तो भाई t-20 into 10 की पावर माइनस 4 is equal to 0.1/10, ये भी नीचे आएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, कट के 10 की पावर 3, तो t is माइनस 20 is 10 की पावर 3 और t is equal to 1020 degree Celsius. In this way, you can find out the temperature at which the resistivity or resistance of the copper wire will become 10% more. तो इस तरीके से आप resistivity की जो dependence है temperature के ऊपर, उसे आप find out कर सकते हैं. Okay? तो हमने आज जो पढ़ा है, यानी temperature dependence और the resistivity temperature dependence क्या है? तो आपने पढ़ा कि कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेंपरेचर, अल्फा इज पॉजिटिव वेयर अल्फा इज टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. इसकी वैल्यू होती है आपकी एप्रोक्सीमेटली 10^-4 10^-5 के ऑर्डर की होती है. एंड आल्सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेंपरेचर. तो अल्फा को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अल्फा पॉजिटिव था कंडक्टर्स के लिए, नेगेटिव था सेमीकंडक्टर्स के लिए, और एप्रोक्सीमेटली जीरो, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो होता, बिल्कुल कांस्टेंट कभी ग्राफ नहीं आता है, एप्रोक्सीमेटली जीरो फॉर अलॉय, क्योंकि अलॉयज टेंपरेचर डिपेंडेंट बहुत कम होते हैं. टेंपरेचर डिपेंडेंसी अलॉयज के अंदर बहुत कम होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम वैरी करता है, रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहता है अगर उसका टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो भी. इसीलिए आप देखते हैं जितने भी आपके पास हीटिंग एलिमेंट है दे आर मेड ऑफ द अलॉयज, क्योंकि टेंपरेचर डिपेंडेंस नहीं है उनकी, उनकी रेजिस्टिविटी टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, देयरफॉर द हीटिंग डिवाइस नॉर्मली मेड ऑफ अलॉयज, दैट इज निक्रोम वायर हीटिंग एलिमेंट नॉर्मली आप के अलॉयज से बनते हैं. फिर आपने कुछ क्वेश्चंस किए इन फॉर्मुलेस में, तो अब आपको होमवर्क है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, वो दोनों तीनों क्वेश्चंस करेंगे और मेरे को सेंड करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.